झांसी के गोलाकुआ के पास पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने डीएम कार्यालय पर पानी की समस्या को लेकर डीएम को प्रार्थना पत्र दिया। लोगों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर काफी समय से जूझ रहे हैं। पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई पानी की समस्या बताने के बाद भी कुछ नहीं किया। हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी ने पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों से बात की। कोतवाली क्षेत्र के गोला कुआ के पास आम जनता वार्डों के बंटवारे के बीच इस तरह पिस रही है कि उसकी चीख निकल के अब डीएम ऑफिस पहुंच चुकी है। सड़क के एक तरफ वार्ड नंबर 58 है, एक तरफ वार्ड नंबर 20। अब आधे लोग बटे हुए हैं वार्ड नंबर 58 में, आधे वार्ड नंबर 20 में, तो समस्या का हल हो कैसे? मूल इनकी दिक्कत है कि इनके घर में पानी नहीं आ रहा। मैडम क्या नाम है आपका? राधा दुबे। मैडम कब से दिक्कत हो रही पानी? बहुत दिनों से, जब से वो गोला कुआं पे क्षेत्र पे वो 6 तारीख से गड्ढा हुआ, उसी दिन शाम से हमारे यहाँ पानी आना बंद हो गया टोटल। उससे पहले लगातार पानी आ रहा था और वहाँ के लोग कहते कि हमारे यहाँ 6 साल से पानी नहीं आ रहा, तो अब कहाँ से आ रहा उनके यहाँ पानी? जब से गड्ढा हुआ जब से उनके यहाँ पानी है और हमारे यहाँ पानी नहीं है। हमारे यहाँ इंसान नहीं है, उनके यहाँ इंसान है, हम जानवर हैं। आप अभी तक कहाँ कहाँ गए थे आप लोग और क्या हुआ? हम कल हम दीनदयाल सभागार गए थे डीएम के पास, बट वो मिले नहीं थे क्योंकि मीडियम एसडीएम मिले थे, उन्होंने ऑर्डर किया था बट नहीं आए वो। नाम क्या है? रश्मि राजौरिया। रश्मि जी, पानी की दिक्कत कितनी हो रही है आप लोगों को और अभी तक कहाँ कहाँ आप लोग गए? सर ये बता नहीं सकते, पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक बूंद के लिए हम लोग तरस रहे हैं। सर आप घर पे जाके देखिए, मशीन बराबर चलाते हैं। आज वो जेई वगैरह भी आया, वो देख के गया कि यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, मशीनें चल रही हैं बराबर नहीं हमारी घर की, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं आ रहा है। आगे आओ। ये है भाई साहब, नाम क्या है आपका? अनूप दुबे। अनूप जी, क्या समस्या है क्षेत्र में आपके? पिछले 20 दिनों से पानी की इतनी घोर समस्या है, छोटे छोटे बच्चे बाल्टी लेके दौड़ दौड़ वो टैंकर आते हैं उसमें वो करते हैं पानी का। गोलकुआ पे पहले ये अच्छा खासा चल रहा था, क्षेत्रीय पार्षद ने भेदभाव करते हुए वहाँ एक गड्ढा करवा के अपने क्षेत्र के लिए पानी बांट लिया, जिससे हमारे यहाँ का पानी बंद हो गया। अब हम लोग उसको एक्सीएन साहब से या जेई साहब से बोलते हैं तो वहाँ के दबंग लोग आके हम लोग को धमका दे देते हैं। आज भी वो मौके पर जेई साहब गए थे, आज उनको काम नहीं करने दिया। हमारी तो यही प्रार्थना है कि भाई हम लोगों को पानी तो कहीं से दो। अच्छा, ये आपका वार्ड नंबर 58, वार्ड नंबर 20 का क्या लफड़ा है आपका? हम लोगों के क्या है कि एक गली के एक तरफ वार्ड नंबर 20 है, एक तरफ वार्ड नंबर 59 है, जिसमें दो अलग अलग पार्षद हैं। दो पार्षदों के होने की वजह से हमारी गली का कोई विकास ही नहीं होता है, रोड डलवानी होती है, दोनों क्षेत्रीय पार्षद एक दूसरे पर अपनी बात डाल देते हैं, दोनों पार्षद कोई हैंडपम्प खराब हो जाए तो पानी की समस्या को लेकर भी दोनों एक दूसरे पर गेंद डाल रहे हैं। वो कहते हैं वो हमारा काम नहीं है, वो उनका है, वो कह देते हैं वो उनका है, ऐसे हमारे घोर समस्या। हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे दोनों वार्ड मिला के एक वार्ड कर दिया जाए, जैसे कि हमारी समस्याएं तो दूर हों, हमारा जो भी एक इलाके में दिक्कत है वो समाधान हो। मैडम नाम क्या है आपका? नीता राजौरिया। दिक्कत कितनी पानी की हो रही है आप लोगों को, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग, पानी कहाँ से ला रहे हैं? बूंद नहीं आ रहा है, इतना परेशान हो रहे हैं, वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, हम उनके लिए पानी लाएं कि टैंक से भरें, क्या करें हम अकेले पीड़ित है इंसान, हम भर ही नहीं पा रहे पानी, हम हार्ड में छेद है, हार्ट से परेशान है, इधर कमर में दर्द है। नाम क्या है आपका? वंदना पांडे। वंदना जी, आपका घर किस जगह पर है, दिक्कत क्या हो रही है? गोला कुआं पर। क्या दिक्कत आ रही है आपको? यही आ रही दिक्कत के वहाँ पे हम लोगों को पानी नहीं मिलता है, हेडपम्प से हम लोग पानी भर भर के परेशान हो रहे हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, अब कहाँ जाएं? पानी के प्यास के मारे तो मरेंगे, तो नहीं पानी लाना तो पड़ेगा ही, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको लैट्रिन बाथरूम सारी चीजों की समस्या आएंगी। हम तो कहते हैं कि हम लोगों को भैया उन लोगों को भी दो पानी, तो हम लोगों को भी दो, ऐसा नहीं कि उन्हीं उन्हीं को पानी दो और हम लोगों को पानी ना मिले, तो ऐसा थोड़ा होता है, हम लोगों को भी पानी। मैडम नाम क्या है आपका? पूजा। पूजा, दिक्कत क्या हो रही पानी की? आप लोग कल से परेशान हो, घूमते फिर रहे झांसी भर में। भैया हम लोग इतना ही चाहते हैं कि हम लोग को इतना पानी तो दिया जाए कि हम लोग अपना खाना पीना निस्तार इतना तो कर, भले ही आप इतना नहीं दीजिए कि मतलब झांसी में, हमें भी पता है कि पानी की समस्या बहुत है, गर्मी में पानी की समस्या बहुत है, लेकिन इतना तो दे कि हम लोग खाना पीना नहाना धोना इतना तो हम लोग कर सके, नहीं हो पा रही है ये सब हम लोगों का, मतलब घरों में नहीं हो पा रहा है भैया, और उसमें मशीन भी चलती है तो बिजली भी खर्च हो रहा है, फिर आप लोग क्या होगा कि लोग आपके मीटर में इतना वो आ रहा है, आप लोग बिजली नहीं बचा के चल रही हैं, तो भैया हर चीज़ को मैनेज करके चलो कि थोड़ा तो दोगे खा रहा है। आपके यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने आपकी समस्या सुनी नहीं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी है। आप बोलो, मेरे मोहल्ले का पार्षद
आता ही नहीं है। कोई भी समस्या, चाहे हैंडपंप खराब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लकी राय नहीं, वो आते ही नहीं है। कुछ भी हो जाए वो कहते हैं निर्दोष आए, वो कहते हैं लकी आएगा। जब फोन लगा वो उठा, वो कहते हैं कि हमें लड़ना ही नहीं है चुनाव, तो हम क्यों आए। बट अभी तो पार्षद होना, आप कुल मिला के घनी आबादी के बीच, शहर के बीचों बीच गोलाकुआ एक बहुत व्यस्तम इलाका है, काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, और अगर वहाँ इतनी परेशानी है तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होता है। कुलदीप अवस्थी, जयपुर न्यूज़ 4। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।